और चलिए अब आपको बताते हैं आज की चार बड़ी खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर रहने वाली है। चलिए सबसे पहले खबर बात कर लेते हैं टिकैत का महापंचायत वाला प्रपंच सुनिए। हरियाणा में किसान नेता राकेश टिकैत की आज एक और महापंचायत होने वाली है। तो एक बार फिर क्या टिकैत महापंचायत में किसानों को भड़काएंगे। और दूसरी बड़ी खबर बंगाल की धरती पर पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल और असम की यात्रा पर रहेंगे। दोनों राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी कई परियोजनाओं को देश को सौंपेंगे। तीसरी बड़ी खबर योगी सरकार का चुनावी बजट आज यूपी की योगी सरकार विधानसभा में अपना बजट पेश करने जा रही है और इस बजट के साथ ही सीएम योगी के नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ जाएगा वो भी आपको बताएंगे। और चौथी बड़ी खबर कांग्रेस के हाथ से निकला पुडुचेरी। पुडुचेरी विधानसभा से आज कांग्रेस सरकार की अग्नि परीक्षा है। फ्लोर टेस्ट से पहले नारायण सामी सरकार पर सियासी संकट गहरा होता जा रहा है। तो ये है आज की चार बड़ी खबरें जिस पर दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। और चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज हरियाणा के सोनीपत में राकेश टिकैत की महापंचायत होगी। दोपहर 12 बजे महापंचायत में शामिल होंगे राकेश टिकैत। सोनीपत के खरखौदा में अनाज मंडी में है किसान महापंचायत। सोनीपत की महापंचायत में राकेश टिकैत को बुलाया गया है। तो ये महापंचायतों का प्रबंध लगातार जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं सोनीपत की महापंचायत होने वाली है जहां राकेश टिकैत को न्योता दिया गया है। सोनीपत के खरखौदा में अनाज मंडी में किसान महापंचायत है जहां राकेश टिकैत को बुलाया गया है। अब राकेश टिकैत लगातार महापंचायतों का सहारा ले रहे हैं इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए। दोपहर 12 बजे महापंचायत होगी। तो राकेश टिकैत का महापंचायत वाला प्रपंच लगातार जारी है। हर दूसरे तीसरे दिन वो किसी न किसी जगह पर जाते हैं और महापंचायत में शामिल होते हैं, किसानों को भड़काने का काम करते हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, लगातार महापंचायतें चल रही हैं। हिसार, रोहतक, करनाल, बहादुरगढ़, लक्ष्मणगढ़, कुरुक्षेत्र में लगातार पंचायत होती रही। जींद, बरचरखी, दादरी में भी उन्होंने पंचायत की। तो ये 8 तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि लगातार पंचायतों के जरिए ये पूरा आंदोलन आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। 18 फरवरी को हुई थी, फिर लास्ट 3 फरवरी को हुई थी और आज फिर एक पंचायत। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें किसान नेता राकेश टिकैत की धमकी का असर। राकेश टिकैत के आह्वान पर किसानों ने फसल बर्बाद की। बिल्कुल, तो देखिए किसानों को कैसे बरगला रहे राकेश टिकैत, कैसे भड़का रहे, कैसे भ्रमित कर रहे हैं उसका नमूना कल हमने देखा। मुजफ्फरनगर और बिजनौर ये दो जगह जहां पर किसान खुद अपनी मेहनत से उगाई हुई फसल को बर्बाद करते हुए नजर आए। तो मुजफ्फरनगर और बिजनौर में किसानों ने फसल बर्बाद की। टिकैत ने कहा था कि फसल को जला देंगे और उसी का असर दिख रहा है कि मेहनत से उगाई फसल पर ट्रैक्टर चला रहे हैं किसान। झंडा झंडा भी लगाना वाला चिगोती भी साथ रहा जो अपनी झंडा लगाने के लिए समझ जाइयो सारी बात। और देखो भाई कूलर और एसी भी लगेंगे एसी। किसान का तो धर्म ही फसल उगाना है, लेकिन जो फसल को ट्रैक्टर से रौंद डाले वो किसान कैसे हो सकता है। जरा ये तस्वीरें देखिए। आंदोलन जीवी राकेश टिकैत की अन्नदा वाली साजिश को अंजाम देने के लिए उनकी ब्रिगेड हमारे आपके और देश की 130 करोड़ जनता के मुंह से निवाला छीनने पर उतर आए हैं। दरअसल राकेश टिकैत ने कुछ दिन पहले ही खुले मंच से फसल जलाने की केंद्र सरकार को धमकी दी थी, जिसका अब असर दिखाई देने लगा है। आपको हाथ उठा के करना पड़ेगा कि एक फसल की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो खड़ी फसलों में आग लगानी पड़ेगी। हटाओ, अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा एक किसान खड़ी फसल में आग लगाएगा अपनी। ये है भारतीय किसान यूनियन के सहारनपुर मंडल के महासचिव राजू अहलावत, जिन्होंने मुजफ्फरनगर के भैंसी गांव में अपनी 1 एकड़ में गेहूं की खड़ी और लहलाती फसल को ट्रैक्टर से रौंद डाला और केंद्र सरकार और तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध जताया। उधर बिजनौर में भी एक किसान ने अपने खेत में 6 बीघे में खड़ी गेहूं की फसल को ट्रैक्टर चलाकर बर्बाद कर दिया। राकेश टिकैत जी ने एक आह्वान किया था कि सब अपनी एक फसल बर्बाद करके और यहाँ पे आए। आह्वान अगर परिवार का भी हो तो परिवार का भी बलिदान देने को तैयार है वहाँ पर। सुना आपने, नकली किसान कैसे अपने परिवार तक को भी आंदोलन की आग में झोंकने के लिए तैयार है। राकेश टिकैत के आह्वान के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाँव में नकली किसान अपने खेतों में फसलों को बर्बाद कर रहे हैं।
मतलब ये है कि खुद को किसानों का हमदर्द बताने वाले टिकैत किसानों के काल बन चुके हैं, जो ट्रैक्टर को टेरर वाला हथियार बनाकर बॉर्डर से अब खेत खलिहानों में घुसाए हैं। दिन रात मेहनत कर किसान जिस फसल को बोता है, सींचता है, और तो और देश का अन्नदाता फसलों को बेटे जैसा पालता है, उसे ट्रैक्टर से रौंदने वाले किसान तो कतई नहीं हो सकते। जी हिंदुस्तान पहले ही पर्दाफाश कर चुका है कि कैसे टिकैत के प्रपंच ने किसानों से अधर्म कराया। जाहिर है टिकैत की बौखलाहट समझी जा सकती है, क्योंकि धीरे धीरे ही सही उन्हें अब समझ में आने लगा है कि आंदोलन की हवा निकल चुकी है। असली किसान का मन अब आंदोलन से खट्टा हो चुका है, अब उसमें कितना भी रस डालें मिठास नहीं आने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दीप सिद्धू की रिमांड का आज आखिरी दिन है। पुलिस आज कोर्ट से दीप सिद्धू को सामने उसे पेश करने वाली है। इकबाल सिंह और महिंदर की रिमांड का आज आखिरी दिन है। लाल किला हिंसा मामले में आरोपी हैं तीनों लोग। तो आज की बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस आज कोर्ट से दीप सिद्धू रिमांड मांगेगी। इकबाल सिंह और महिंदर की रिमांड आज आखिरी दिन। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, पुलिस आज कोर्ट से दीप सिद्धू को पेश करेगी। दीप सिद्धू की रिमांड का आज आखिरी दिन है। पुलिस आज कोर्ट में दीप सिद्धू को पेश करेगी। इकबाल सिंह और महिंदर की रिमांड का आज आखिरी दिन। लाल किला हिंसा मामले में आरोपी हैं तीनों। और एक और बड़ी खबर, टूलकिट मामले में आज क्राइम ब्रांच करेगी पूछताछ। दिशा रवि और शांतनु को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें, शांतनु को आज पूछताछ के लिए पुलिस ने समन भेजा है और पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। दिशा रवि और शांतनु को आमने सामने बिठा करके क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे और सामने बिठा करके ही पूछताछ की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर, दिशा और रवि शांतनु को आज आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है पुलिस। तो इस वक्त की बड़ी खबर, टूलकिट मामले में आरोपी है दिशा रवि, आज क्राइम ब्रांच करेगी पूछताछ। दिशा रवि और शांतनु को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी।